ओम स्वामी नारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तम सर्वेभ्य परमां शांतिमानंदम सुखमर्पयेत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। श्रीमद् भगवद गीता के लिए कहा गया है सर्वशास्त्रमयी गीता। श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्रमयी है। सर्वशास्त्रमयी का मतलब हमारे भारतवर्ष के जितने पवित्र शास्त्र हैं इन सभी पवित्र शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवद गीता में निहित है। सर्वशास्त्रमयी गीता तस्मात् गीता विशिष्यते, यही गीता की विशेषता है। अब जब हम श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन कर रहे हैं तो कुछ चीजें हमें जाननी चाहिए जिससे हमें अवगत होगा कि हम कितनी बड़ी बात को जान रहे हैं जब हम गीता को जानते हैं। भारतवर्ष की एक भव्य परंपरा है शास्त्रों की। हमारी जो भारतीय वैदिक सनातन धर्म परंपरा है उसके तीन आधार हैं, शास्त्र, मंदिर और संत। उसमें से आज हम शास्त्रों की बात करेंगे क्योंकि हमें गीता की बात करनी है। हमारी संस्कृति का परिचय हमारे शास्त्र देते हैं। किसी भी सभ्यता का परिचय उस सभ्यता में प्रणीत जो शास्त्र राशि है उसका ज्ञान पाकर लोग समझ पाते हैं कि यह समाज कैसा था। श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्रमयी ऐसे कहा गया। हम शुरू करते हैं हमारे भारतवर्ष में। हमारा मूलभूत शास्त्र हमारे चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद शब्द ही देखिए कितना अद्भुत है। विद धातु में से वेद शब्द बनता है। विद धातु का अर्थ होता है ज्ञान। वेद अर्थात ज्ञान का राशि, ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का खजाना हमारे वेद। एक एक मंत्र में एक एक थियरी रखी गई है। कोई व्यक्ति वेद को पढ़ता है, जैसे आज विश्वविद्यालयों में जो कोर्सेज होते हैं तो उसकी स्टडी बुक्स होती हैं और उसमें समझो मेडिकल लाइन है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन सब कुछ की अपनी टेक्स्ट बुक होती है। हमारे वेद एक अलौकिक टेक्स्ट बुक समझिए उसको आधुनिक भाषा में। ऐसे तो वेद नित्य है, अपौरुषेय है, लेकिन वेद क्या थे? वेद संपूर्ण संसार में उपयोगी जितना भी ज्ञान है इन ज्ञानों का खजाना इन वेदों में था। कोई व्यक्ति इन वेदों को जानता है इसका मतलब यह है कि वह एक अच्छी थियरी को जानता है। हमारे यहां ऐसी एक परंपरा चली थी वेदों को समझना, प्रतिदिन वेदों को बोलते रहना। चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।